नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। ड्रग केस में आज शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पे सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ा खुलासा हुआ है कि आर्यन खान की जो चैटिंग है उसमें एक एक्ट्रेस से भी उनकी बातचीत हुई थी, मैसेज का आदान प्रदान हुआ था। इसके अलावा पेडलर्स और सप्लायर्स से भी चैट उन्होंने किया था। ये सब कोर्ट में एनसीबी ने सौंपा है और उसके मद्देनज़र ये अब खबर बड़ी हो जा रही है, क्योंकि नवाब मलिक जो एनसीपी के नेता हैं, मंत्री हैं, उनसे लेकर के जावेद अख्तर, सलमान खान, तमाम लोग जो है वो शाहरुख खान और आर्यन खान के फेवर में खड़े हो चुके हैं। और ये मुद्दा बनाया जा चुका है कि आर्यन खान को क्यों टारगेट किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती तो यहाँ तक बोल चुकी हैं कि मुस्लिम होने के नाते ऐसा किया जा रहा है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि जब आज सुनवाई होगी तो क्या फैसला होगा, क्या जमानत मिलेगी, क्या क्या इस केस में अभी तक अपडेट है, जरा सुनिए एक रिपोर्ट। क्रूज ड्रग पार्टी केस में आर्यन खान के साथ बॉलीवुड की एक उभरती हुई एक्ट्रेस की चैट भी एनसीबी को मिली है। चैट में नशे को लेकर के बातचीत हो रही है। बहस के दौरान एनसीबी की टीम ने आरोपियों के चैट्स अदालत को सौंपे थे। उनमें आर्यन के साथ ही इस एक्ट्रेस के चैट भी शामिल है। इसके अलावा आर्यन के कुछ ड्रग पेडलर के साथ भी चैट्स हुए थे, वो भी अदालत के सामने हैं। इस पर अदालत ने 14 तारीख को सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। लिहाजा अब नजर है कि फैसला क्या सुनाया जाता है। बता दें कि आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने स्टार किड की गिरफ्तारी को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है, न ही एनसीबी को कोई कैश मिला है। जिस शख्स ने आर्यन को पार्टी में बुलाया था वो गिरफ्तार नहीं है। आर्यन का मुनमुन धमेचा से कोई कनेक्शन नहीं है। जैसा कि आपने सुना, इसमें रोज़ नए मोड़ आ रहे हैं और अभी तक 18 से अधिक लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके तार बिहार और नेपाल से भी जुड़ चुके हैं। चूंकि ये मामला लंबा चलना है, 2 और 3 अक्टूबर की ये घटना है, जबकि समंदर के बीच क्रूज से 8 लोग की एक साथ गिरफ्तारी हुई थी जिसमें आर्यन खान भी शामिल थे। उसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला बढ़ता चला गया और 18 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए। ये मामला कहाँ जाकर के थमेगा, कौन कौन सप्लायर है, कौन कौन पेडलर्स हैं, कौन बड़े लोग शामिल हैं, इसकी भी जांच हो रही है। लेकिन अहम मुद्दा ये है कि आर्यन खान को आज जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।